शांति मीठे बच्चे जी बाबा, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर विजय प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर विजय प्राप्त करते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? जवाब, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह को आत्मा सुप्रीम रूह ही देते हैं और कोई दे नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। मेन पॉइंट्स, बाबा कहते बच्चे निराकार शिव बाबा, उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव, कहते भी हैं शिवाय नमः, वह है ऊंचते ऊंच। बुद्धि चली जाती है तुम्हारी निराकार बाबा की तरफ, वह परम धाम में रहते हैं। तुम आत्माएं भी तो परम धाम से आई हो, वह सर्व का सदगति करने वाला शिव बाबा है। बाबा कहते हैं इसको ही कहा जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देता है। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी भी थी, हेल्थ वेल्थ भी थी। अब बाबा आके फिर से हमें ज्ञान देते हैं। बाबा कहते, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा बाबा देते हैं, क्योंकि बाबा को कालों का काल महाकाल भी कहा जाता है। तुमने नाम भी सुना है ना, शिवाय नमे। बाबा कहते तुम सबको काल पर विजय प्राप्त कराता हूँ। अब बाबा कहते तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। सब में रावण की प्रवेशता हुई तो दे अभिमानी बन पड़े। अब अपने को आत्मा समझो। 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हो, अब तो 84 जन्म पूरे हुए, शरीर भी जड़ जड़ीभूत है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा स्टार समझना, तुम्हें अपने को आत्मा स्टार समझना चाहिए। अभी शिव बाबा को ना जानने के कारण भारत का देखो कैसा हाल हो गया है। भारत में ही प्योरिटी थी, पीस प्रॉस्पर्टी भी थी, अभी तो नरक है। स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं वो बाबा ही समझाते हैं। बाकी अभी तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं, फिर भी बाबा कहते बच्चे मैं बच्चों के लिए सौगात ले आऊँगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊँगा। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा वो अब भी लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। तुम सब यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आते बाबा के पास वर्षा लेने के लिए, तो तुम्हें पुरुषार्थ भी करना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करोगे तो ही तो विकर्म अविनाश होंगे। देह का अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। हम मालूम चला ना कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ पर बाबा आकर के हमें बना रहे हैं, तो हमें सूर्यवंशी बनना चाहिए। भगवानो वाच, गीता का भगवान शिव बाबा है ना कि श्री कृष्ण। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतोप्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। काल पर विजय पाने के लिए बाबा की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ही ज्ञान देना है। वरदान, आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ होता, वैसे ही आवाज़ से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद की शक्ति आदि के मुख्य गुणों का भी अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं के ही नहीं, लेकिन अन्य आत्माओं को भी होने चाहिए। उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव आत्माएं करती हैं। एक गुण से सर्व गुण समाये हुए होते हैं। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। स्वमान रहेगा मैं मास्टर बीज रूप हूँ। और बाबा ने जैसे कि बताया, बीज रूप अर्थात केवल शांत स्थिति का अनुभव नहीं, अतीन्द्रिय सुख का भी, प्रेम का भी, आनंद का भी, शक्ति का भी, सुख का भी। तो सारे गुणों का अनुभव ऐसा करना है कि हमारे चेहरे से वो सुख औरों को भी दिखाई दे। ओम शांति।